तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी टेक प्रो हिंदी में। तो ये है फायरबोल्ट मैक्स स्मार्ट वॉच। अगर आपको याद होगा तो ये एक साल पहले जो है लॉन्च हुआ था 4,500 रुपये में। लेकिन अभी जैसे कि स्मार्ट वॉचेस का ट्रेंड वगैरह बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें जो फीचर्स मिलते हैं उसके हिसाब से इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। और रिसेंटली फ्लिपकार्ट के सेल में मुझे जो है ये 2,000 रुपये का मिला था, और आने वाले सेल पे भी ये जो है 2,000 रुपये का बिकेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग जज करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये जो है वर्थ इट है या नहीं। तो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा अनबॉक्सिंग एंड इनिशियल सेटअप वाला वीडियो इसका देख लो, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उधर आपको सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा कैसे इसको जो है सेटअप करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली इस वीडियो को जो है स्टार्ट कर देते हैं। एंड मैं आप सब लोगों को जो है सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जो है एंड तक देखिए, क्योंकि कुछ फीचर्स जो है इसमें मिसिंग है जो आज के हिसाब से नहीं मिलते हैं। जैसे कि ये वॉच जो है एक साल पहले जो है लॉन्च हुआ था, तो ऑब्वियसली आप अगर बाय कर लेते हैं तो वो फीचर्स आपको मिसिंग देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। तो डायरेक्टली अभी जैसे कि फ्लिपकार्ट में सेल में 2,000 रुपये का बिक रहा था जैसे कि मैंने बताया, और 2,000 रुपये में ये सबसे चीपेस्ट स्मार्ट वॉच जो है बन जाता है, जिसके साथ आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिस्प्ले का क्वालिटी कैसा है। तो इसमें आपको 1.78 इंच का एक एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसका प्राइस जो है 2,000 रुपये सेल में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका जो पैनल का क्वालिटी है वो बेकार है, ऐसा नहीं है। एमोलेड पैनल दिया गया है एंड इसका क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्लैरिटी एंड क्वालिटी दोनों मुझे इसका डिस्प्ले का अच्छा लगा है। बाय द वे, जैसे कि एमोलेड पैनल है तो ऑब्वियसली थोड़ा AOD का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। तो AOD के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो AOD का आउटडोर विजिबिलिटी ऑब्वियसली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ना बराबर है। तो लेकिन मैक्सिमम स्मार्ट वॉचेस का यही हाल है AOD के रिगार्डिंग, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा इसमें जो है मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं आउटडोर विजिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो आउटडोर विजिबिलिटी ओवरऑल डिस्प्ले का इसका अच्छा है। एंड टच रिस्पॉन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टच रिस्पॉन्स भी आप देख सकते हैं मुझे सही लगा है, ठीक है। बाय द वे, एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, अगर आप AOD का फीचर यूज़ करते हैं तो आपका जो रेस टू वेक है वो काम नहीं करेगा। तो अभी थोड़ा बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये स्मार्ट वॉच जो है 2,000 रुपये का सेल में बिक रहा था, लेकिन इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी नहीं मिलता है, इसमें फुल्ली मेटलिक बॉडी आपको दिया गया है। तो ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी इसका प्रीमियम है। एंड सामने की तरफ आपको एक 2.5D का कर्व ग्लास मिल जाता है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा ये दिखता है। एंड साइड में आपको 2 बटन्स दिए गए हैं, एक जो है पावर ऑन ऑफ की है एंड दूसरा जो है वो मल्टी फंक्शन की है, जिसको आप जो है क्लिक करके स्पोर्ट्स मोड एनेबल कर सकते हैं। अगर मैं स्ट्रैप्स के बारे में बात करूँ तो स्ट्रैप्स का क्वालिटी एवरेज है, क्योंकि डिज़ाइन इसमें अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका स्ट्रैप्स का जो हार्डनेस है वो थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा है एज रिगार्डिंग टू अदर सिलिकॉन स्ट्रैप्स, जो कि थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। बाकी बकल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बकल भी जो है मेटल का है, ना कि प्लास्टिक का है। तो ऑब्वियसली ये स्मार्ट वॉच एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच है, आपको एक प्रीमियम फीलिंग जो है दे देगा। बाकी इसमें जो है वाटर रेजिस्टेंस के तौर पर आपको 380 mm वाटर रेजिस्टेंस रीडिंग मिल जाता है, इसकी वजह से आप जो है इसको पहन के 30 मीटर डेप्थ तक जो है स्विम भी कर सकते हैं। बाकी इसका बेजल्स का थिकनेस जो है मैंने आपको नहीं दिखाया था, इसलिए अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बेजल्स जो है थोड़े थिक है, लेकिन बेजल्स जैसे कि इवन है, ठीक है, चारों तरफ बेजल्स जो है सेम है, इसके लिए आपको कोई बेजल्स के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं होगा। तो अभी फिलहाल जो है यूजर इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो होम स्क्रीन से अगर आप लेफ्ट से स्वाइप करेंगे तो आपको सारा मेन्यू का एक्सेस हो जाता है। इसमें आपको स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट मॉनिटरिंग, SPO2 जैसे सारे जो वेदर कंट्रोल जैसे फीचर है और म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल जैसे फीचर है वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें एक यूनिक सा आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का भी जो है ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें आपको फ्लैशलाइट का ऑप्शन या फिर कैलकुलेटर या फिर इनबिल्ट गेम्स का ऑप्शन नहीं देखने को मिल जाता, जो थोड़ा मुझे सही नहीं लगा है। एंड बाय द वे, इसका फुल सेटअप वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक है, उधर जाके देख सकते हैं कैसे सेटअप करना है, मैंने सारा कुछ चीज़ जो है बताया है। बाय द वे, सेटिंग्स पे जाके अगर आपको AOD वगैरह चेंज करना है तो डिस्प्ले ऑप्शन पे जाके आप जो है AOD क्लॉक वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के आपको AOD मिल जाते हैं, एक जो है डिजिटल एंड दूसरा जो है एनालॉग है। तो बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस वॉच पे। एंड सिंपली इसके होम स्क्रीन पे भी आपको क्विक एक्सेस सब कुछ जो है मिल जाता है। तो होम स्क्रीन से अगर आप जो है राइट स्वाइप करते हैं तो इसमें आपको एक्टिविटी कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग और जो है वेदर कंट्रोल्स वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाता है। एंड बाय द वे, होम स्क्रीन से अगर आप नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस पैनल देखने को मिल जाता है। तो कैसे नोटिफिकेशंस वगैरह आता है सारा कुछ जो है आगे जाके मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो आपको कंट्रोल पैनल इसमें देखने को मिल जाता है। तो फीचर्स इसमें यूजर इंटरफेस के रिगार्डिंग भरपूर है एंड इसका सॉफ्टवेयर भी मुझे जो है अच्छा खासा है, वेल मैनेजेबल एंड जो है यूजर फ्रेंडली लगा है।
बाकी अगर 2000 के अंदर आपको एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच चाहिए तो इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ब्लूटूथ कॉलिंग का आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिल जाता है। बाय द वे स्पोर्ट्स मोड के बारे में बात करूँ तो इसमें बहुत ही कम स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जैसे कि 12 स्पोर्ट्स मोड इसमें देखने को मिल जाता है। लेकिन यूनिक सा चीज़ ये है कि जैसे कि इसमें 380 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग है तो इसमें स्विमिंग का भी स्पोर्ट्स मोड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसके स्पोर्ट्स मोड के यूआई पे आपको जो है स्टेप्स काउंटिंग नहीं देखने को मिलेगा। स्टेप्स काउंटिंग वगैरह आप सब अपने एक्टिविटी कंट्रोल्स में जो है ऐप के थ्रू देख सकते हैं। सिर्फ आपको कितना किलोमीटर्स आप लोग चले हैं एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग यही दिखाता है इसके स्पोर्ट्स मोड पे। बाकी एक दिक्कत वाली चीज़ इसके ऐप के रिगार्डिंग मुझे ये पता चली है कि जब भी आप ऐप को चलाएं उसके पहले जो है आपको ब्लूटूथ एंड लोकेशन वगैरह ऑन करना है एंड इंटरनेट वगैरह ऑन करना है, क्योंकि ब्लूटूथ एंड लोकेशन एक्सेस देने के बाद भी ये जो है अपने से ऑन नहीं कर पाता है एंड पैरअप नहीं हो पाता है, तो आपको ये दोनों चीज़ें जो है ऑन करनी है। एंड एक चीज़ मैंने अपने सेटअप वीडियो पर नहीं बताया था कि आपको जो है पुश नोटिफिकेशन पर जाना है एंड कॉल अलर्ट्स SMS अलर्ट जो है ऑन करना है, ताकि आपको सब कुछ जो है SMS एंड कॉल्स का जो है अलर्ट मिल सके। एंड इस ऐप पे आपको ऊपर एक जो है ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको एनेबल करके ही आप जो है जब भी आपका फ़ोन ऑफ होगा तभी आपको जो है वॉच पे नोटिफिकेशंस वगैरह मिलेगा, ये भी आप एनेबल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा फीचर है। बाय द वे मेरे सेटअप वीडियो पे मैंने बताना भूल गया था कि कैसे जो है आपको वॉच फेसेस वगैरह चेंज करना है, तो इधर ही आपको डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें डायल लाइब्रेरी पे आपको जाना है और डायल लाइब्रेरी पे आप देखेंगे बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाएगा, जिस भी वॉच फेसेस को आपको सिलेक्ट करना है उसको क्लिक कीजिए एंड उसके नीचे आपको सिंक डायल का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये अपने आप ही कुछ सेकेंड्स के बाद सिंक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें बहुत सारे वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाता है लेकिन ऐप पे कहीं भी आपको जो है कस्टम वॉच फेसेस सेट करने का जो है ऑप्शन नहीं देखने को मिल जाता है, इसलिए आप जो है अपना वॉच फेसेस या फिर अपना गैलरी से कोई वॉच फेसेस वगैरह सेट इससे नहीं कर सकते हैं। एंड इस स्मार्ट वॉच पे आपको SpO2, हार्ट रेट सेंसर एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का भी सेंसर देखने को मिल जाता है, एंड जितना भी मैंने टेस्ट किया है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर हार्ड सरफेस पे ये जो है रीडिंग वगैरह टोटली नहीं दिखाता है, वाइब्रेट होके अपने आप ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो सेंसर्स का क्वालिटी भी मुझे अच्छा लगा है। एंड बाय द वे ये सेंसर सब कुछ जो है PPG टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो एक्यूरेसी इनका जो है इतना अच्छा नहीं होता है। बाय द वे PPG टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ अगर आपको जानना है तो आई बटन पे एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उधर जाके आप देख सकते हैं। तो अभी थोड़ा पुश नोटिफिकेशन इसका कैसे आता है और क्विक रिप्लाई अवेलेबल है या नहीं थोड़ा देख लेते हैं। एंड जब भी आपको मैसेज रिसीव होगा इंटरफेस इसका नोटिफिकेशंस का कुछ ऐसा ही दिखेगा, इसमें सिर्फ आपको जो है डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है एंड क्विक रिप्लाई का टोटली इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश पे इसमें मैसेजेस वगैरह दिखाता है लेकिन अगर आप हिंदी पे मैसेज करते हैं तो कुछ ऐसा जो है क्वेश्चन मार्क जैसा आता है, तो हिंदी मैसेजेस इसमें जो है सपोर्ट नहीं है। एंड अभी तक जितना भी चीज़ मैंने बता दिया है सारा कुछ ऑनेस्टली आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो अभी फिलहाल जो है कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ये चीज़ आपको सेल में मिल जाता है 2000 या फिर 2500 के आसपास, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है, एमोलेड डिस्प्ले एंड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी इसमें देखने को मिल जाता है, बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ब्लूटूथ कॉलिंग वाला स्मार्ट वॉच चाहिए तो उस रीजन में आपको इसको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्टेड नहीं है। लेकिन कभी भी अगर आपको ये फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे 2500 के ऊपर देखने को मिल जाता है तो बिल्कुल इसको बाय मत करना, क्योंकि उस प्राइस रेंज पे और भी कंपटीशन इसका जो है बढ़ जाता है। बाय द वे आने वाले समय में फ्लिपकार्ट पे और भी ज्यादा जो है सेल्स वगैरह आएंगे तो ये आपको 2000 के आसपास जो है देखने को मिल जाएगा। एंड एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ, जितना भी प्रोडक्ट वगैरह मैं रिव्यू करता हूँ अपने चैनल पे सब कुछ मैं अपने पॉकेट मनी एंड जो है यूट्यूब मनी से बाय करके चलाता हूँ, तो ऑब्वियसली इस चैनल को अगर आपको सपोर्ट करना है एंड ऐसे ही कंटेंट्स आपको देखना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑब्वियसली मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।